मेट्रोरामी की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे आसिफ अपने बेटे की वजह से काफी ज्यादा तंग आ जाते हैं क्योंकि जैद किसी सूरत पर अपने डैड को माफ करने के लिए तैयार तक नहीं, यहाँ तक कि वो तो इस चीज का बदला आयरा और उसके घर वालों से लेना शुरू कर देते हैं। चंद घंटों के जरिए जब वो आयरा को किडनैप करवाने की कोशिश करते हैं तो आयरा को मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है, इसीलिए वो गुस्से से जैद के घर में चली जाती है। उस वक्त रायान भी वहाँ पर ही मौजूद होता है। आयरा को अपने सामने देखते ही वो आग बुगुला हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से जैद बशरा को अपनी जिंदगी में रखने के लिए तैयार तक नहीं। वो धक्के देकर उसे निकालने की कोशिश ही करता है। आयरा जैद के डैड से बड़े ही गुस्से से बात करने की कोशिश करती है। आपको क्या लगता है कि आप मुझे और मेरे घर वालों को इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मुझे मालूम नहीं होगा कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है? अगर जैद मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर? इधर जब जैद को इस बारे में मालूम होता है कि आयरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके डैड करवा रहे हैं तो यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके डैड पहले आयरा को उसकी जिंदगी से दूर करना चाहते थे, अब हमेशा के लिए उसे मारना चाहते हैं। तब उसके दिल में अपने डैड के लिए नफरत पैदा हो जाती है। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।